गाइज, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का एक फैक्ट बताता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जब आप उच्चारण करते हैं यानी कि प्रोनंशिएट करते हैं तो वो अपना मतलब खुद ही समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इन दोनों शब्दों को लीजिए। जब आप बोलेंगे फॉरवर्ड तो आपके होंठ आगे आएंगे, ट्राई करके देखिए, फॉरवर्ड। और जब आप बोलेंगे बैकवर्ड तो आपके होंठ पीछे जाएंगे, बैकवर्ड। देखिए आपके होंठ पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड। है ना अमेजिंग फैक्ट। चलिए गाइस एक फनी लेकिन सच्ची घटना बताता हूं। एक 42 साल के रशियन फिशरमैन पर अचानक से एक भालू ने हमला कर दिया, लेकिन उस बंदे की ग्रैंड डॉटर की लगाई गई मोबाइल की रिंगटोन की वजह से उस बंदे की जान बच गई। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, वो भालू रिंगटोन को सुन के उस बंदे को छोड़ के वापस से जंगल में भाग गया। पर सवाल यह है कि वो रिंगटोन आखिर थी कौन सी? तो चलिए मैं आपको बताता हूं, वो रिंगटोन थी जस्टिन बीबर के गाने बेबी की। गाइस, बेबी गाने को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्या पता आपको भी किसी को भगाने में वो मदद कर दे। ये गाइस एक खबर सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद आपको बहुत प्राउड फील होगा। क्या आपको पता है कि साल 2006 में टाइम्स मैगजीन ने मुझे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना था? जी हां गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच है। साल 2006 में मुझे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। और सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी, आपके साथ वालों को भी और सबको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। एक्चुअली साल 2006 में टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के हर एक इंसान को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना था। है ना अमेजिंग फैक्ट। चाहे तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और अगली बार आप भी किसी को भी कह सकते हैं कि आपको 2006 में ये अवार्ड मिला था। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।